हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड सबसे पहले न्यूज़ आ रही है राहुल फिटनेस के बारे में, जहां पर मुकेश सिंह गहलोत सर ने राहुल फिटनेस के बारे में बता रहे हैं कि उनके आगे के गोल्स क्या होंगे एंड कैसे कंडीशन में दिखाई देंगे राहुल फिटनेस। ये सब मुकेश सिंह गहलोत सर ने कवर किया है इस वीडियो में। दोस्तों, IHFF इंडिया के ऑलमोस्ट 50 डेज के आसपास हैं और आपको पता ही, राहुल ने अभी प्रो कार्ड लिया है शेरू कराची में और अब अक्टूबर में IHFF में अपना फर्स्ट प्रो शो में डेब्यू करेंगे और उम्मीद है कि लास्ट जो शो था हमारा शेरू क्लासिक, जहां से प्रो कार्ड लिया है, उससे थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस के साथ आएंगे। आप देख ही रहे हो, अभी 50 दिन के आसपास हमारे पास हैं, पूरा रेप्ड होके पूरी वॉल्यूम के साथ, पूरी मैच्योरिटी के साथ हम स्टेज पे आने वाले हैं। लेकिन मेरा मैसेज है नए एथलीट्स को, आप लोग बहुत जल्दी में होते हैं, 2-3 महीने 6 महीने या साल का गेम नहीं है, ऐसी कंडीशन आने में सालों लगते हैं। मे भी आपको 4-5 साल लगे, जैसे राहुल को भी मेरे पास 8 साल हो गए करते हुए। अब ये कंडीशन है, आप लोग और कड़ी मेहनत करेंगे, हो सकता है आप 4-5 साल में अचीव कर लें, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, कड़ी मेहनत करें डिसिप्लिन के साथ, तो धीरे धीरे आप भी अचीव कर सकते हैं। इसके आगे मुकेश सिंह गहलोत सर ने राजवीर फिटनेस के हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन के बारे में बताया है एंड मोटिवेट किया है सबको कि हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन से ही बॉडी बनेगी। चीट मील खाकर, जैसे बर्गर, पास्ता, कोक, नूडल्स, ये सब खाकर बॉडी नहीं बनेगी। ये वीडियो आप भी देखिए। दोस्तों, राजवीर जब मेरे पास आया 10 महीने पहले तो ये कंडीशन थी, आप भी देख रहे हैं, आपने नोटिस भी किया होगा। और आज 10 मंथ्स की ट्रेनिंग के बाद अभी वो एक ठीक ठाक अच्छी कंडीशन में है। इसके पीछे रीजन है उसका हार्ड वर्क, उसकी ईमानदारी और एक इसकी क्वालिटी, कभी गिव अप ना करने की। जहाँ तक मैं अपनी ट्रेनिंग की बात करूँ तो ये कभी गिव अप नहीं करता ट्रेनिंग में, मेरे और एथलीट्स की तरह ये भी आखिरी मोमेंट तक लेके जाता है सेट को, जितना बोल दिया करना है। यही क्वालिटी एक एथलीट में होनी चाहिए और यही इसमें भी है, तभी इतना जल्दी वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म भी कर पाया। जब मेरे पास आया तो 1 साल की ट्रेनिंग का भी गैप था, लेकिन उससे पहले इसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया हुआ है, मसल मेमोरी है, उसी का फ़ायदा मैंने उठाया। वहाँ तक पहुँचना आसान था मेरे लिए भी, लेकिन उसमें इसकी ईमानदारी बहुत मैटर करती थी, ट्रेनिंग में भी, डाइट में भी। तो आप भी कंसिस्टेंटली करेंगे अगर ट्रेनिंग और डाइट को फॉलो, तो आप भी कर सकते हैं। थैंक यू। सो गाइस, नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है रूबल धनगर की तरफ से, जहां पर रिसेंटली उन्होंने वीडियो बनाया था तरुण गिल के बारे में अपने यूट्यूब चैनल पर। तो वहां पर देखा गया कि रूबल धनगर यूथ एंड तरुण गिल को समझा रहे हैं क्या सही है एंड क्या गलत। ये वीडियो आप भी देखिए। सारी चीजें ऐसी होती हैं जो करने से एक यूथ है वो मिसगाइड हो सकता है, वो आपकी पूरी बात को क्लियर ना समझ के वो उस बात का उतना ही मतलब ले सकता है जितना उसे समझना चाहिए। यानी कि अल्कोहल वाली बात अगर हम करें, तो अगर मैं प्रोटीन में मिला के दिखा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं एक यूथ, एक तबका ऐसा होगा जिसे ये लगेगा कि ये सही चीज है, और ये अगर प्रोटीन नहीं है तो वैसे भी घटक लो, 2-4 पैक में क्या होता है, तरुण भाई पीते हैं या रूबल पीता है, बॉडी देखो कितनी अच्छी है, हो सकता है। सो गाइस, नेक्स्ट अपडेट आ रही है नूर खान की तरफ से, जहां पर तरुण गिल ने रिसेंटली नूर खान को छोड़ा था, रीजन ये देकर कि वो ट्रांसफॉर्मेशन कोच है एंड प्रेप कोच नहीं। के ऊपर नूर खान वो फिजिक हमारे सामने रख रहे हैं जो इस साल शायद स्टेज पर उतर सकते हैं, तो इससे ये साबित होता है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन कोच के साथ साथ प्रेप कोच भी है। ये वीडियो आप भी देखिए। भाई हमारे 40 और भाई हमारे पोज बना के जाओ मस्कुलर यार, बस 43 ये आए कानपुर से भी आगे भाई हैं, ये भी यूपी के हैं, तो हम सभी यूपी के, मगर रियलिटी तो ये है कि ये मेरठ से डेली अप डाउन हर दूसरे तीसरे दिन आ ही जाते हैं और ये आज टाइम निकाल के आए, मगर कंडीशनिंग देख लो, चाचा नहीं है भाई ये लोग, ये चाचा वाचा नहीं, मतलब ये लौंडों पे भारी पड़ने वाले हैं बहुत भयंकर। भाई साहब जीत गए ना और इंशाल्लाह जीतेंगे ही।